नमस्कार, मैं हूं साधना सिंह और आप देख रहे हैं IBN 9 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। खाने की महक हो या खुशबू, इंसान को अपनी ओर खींच ही लेती है। आइए हम लिए चलते हैं इंदौर शहर के वह इलाका जहां मात्र एक ही ढाबा है और जो विगत कई वर्षों से चल रहा है। चलते चलते आज हमारी टीम को जब खाने की महक ने मजबूर कर दिया और हम पहुंचे पिशोरी ढाबा। विगत कई वर्षों से संचालित होने वाला पिशोरी ढाबा लजीज खाने के मामले में पहचाना जाता है। लॉकडाउन के चलते पहली बार पिशोरी ढाबा खुला देखने को मिला, जहां की साफ सफाई की व्यवस्था हो या खाना पकाने की लाजवाब नजर आई। पिशोरी ढाबा के संचालक रघुवीर सिंह ने हमारी टीम के संवाददाता जाहिद खान से चर्चा करते हुए बताया कि लॉकडाउन के चलते अभी हम होम डिलीवरी दे रहे हैं। इंदौर से जाहिद खान की रिपोर्ट। इंदौर शहर खाऊ के नाम से जाना जाता है, इंदौर शहर खाऊटियों के नाम से जाना जाता है, मगर हाय, कुदरत ने ऐसा कहर डाया कि इंदौर के खाने की लज्जत शहर की जनता भूल चुकी है। विगत 60 दिन हो चुके हैं, लोग अपनी जबान में वो लज्जत ढूंढ रहे हैं जो कुछ वक्त पहले मिला करती थी, लेकिन जब से कोरोना आया सब कुछ लेके चला गया। आज चलते चलते हमारी नज़र पड़ी इंदौर शहर का बड़ा ही मशहूर ढाबा पिशोरी ढाबा, जिसका नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता था, और आज वो भी काफ़ी अरसे के बाद हमें खुला दिखा, तो हमने भी अपनी खुली आंखों से इन्हें देखा कि ये क्या बना रहे हैं, किस अंदाज में बना रहे हैं, क्या यकीनन लॉकडाउन के नियमों का फॉलो कर रहे हैं या नहीं, हमने यह सही पाया। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त पिशोरी ढाबा के प्रोपराइटर जसवीर सिंह जी, रघुवीर सिंह जी। हम इनसे चर्चा करते हैं लॉकडाउन में क्या खोया, क्या पाया, आने वाला समय और आपके होटल का इतिहास क्या है। इतिहास से जो खुला हुआ है, मेरे फादर ने खोला था, हम उसके बाद 2000 से मैं संभाल रहा हूँ इसको। यहाँ की स्पेशलिटी क्या है? स्पेशलिटी नॉनवेज की है। यहाँ पे क्या क्या बनता है? मेरे नॉनवेज में सारी आइटम बनती है, मेरी सबसे ज़्यादा आइटम तंदूर की बनती है। तंदूर में 15-20 प्रकार के टिक्के वगैरह हैं, मेरी ज़्यादा फेमस है। हिल जी, बहुत ज़माने से इंदौर शहर में लॉकडाउन था, बहुत लंबा लॉकडाउन था, क्या लगा, कैसा अनुभव रहा, जहाँ इंदौर एक तो खौटिए के नाम से जाना है। बहुत दुख वाली की बात रही है कि आदमी कई महीने घर में रहा पहले तो, फिर डरा, डर इतना कि आदमी पहले तो स्टार्टिंग में तो ऐसा लग रहा था कि आदमी कोई एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहा था, घर पर भाई भाई को नहीं देख पा रहा था, इतना डर रहा था। आज आपने ढाबा कितने दिन बाद खोला है और अभी आप क्या कर रहे हैं? मैंने कम से कम 2-5 दिन बाद खोला है। यह खाने का सिस्टम क्या है, क्या मेरा अभी उसी मुझे परमिशन खाली होम डिलीवरी की मिली है, वो भी ऑनलाइन ऑर्डर की, वो भी हम ऑनलाइन ही करें, जो भी ऑर्डर ऑनलाइन आ रहे हैं वही ऑनलाइन। प्रशासन ने बहुत सारे नियम बनाए, क्या फॉलो कर रहे हैं? हाँ जी, जो प्रशासन ने मुझे नियम बनाया उसको पूरे फॉलो करें, जो भी ऑर्डर जो आ रहा है लेने डिलीवरी बॉय उसका पूरा थर्मल से चेक कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, पूरा खाना सैनिटाइज पैकिंग के बाद उसके ऊपर पूरा सैनिटाइज करके भेज रहे हैं। वहीं एक और आप जहां अभी मटन की किल्लत है, मटन मिल नहीं रहा है, वैसे ना ही आप ला रहे थे, कैसे क्या? मटन तो भी बना ही नहीं रहे, मटन का ऑर्डर कम आ रहा, मटन बहुत मिल भी कम, एक आध जना ला के दे रहा है तो वो भी लेते नहीं किसी से। हमारे चिकन पूरे सिमरन से आते हैं मेरे, तो पूरे सिमरन वाले से चिकन 1983 से मेरे वहाँ 19 आता है। आपके यहाँ जो कुक होते हैं वो कहाँ से आए हैं? मेरे कुक सारे नेपाली हैं, एक तो अपने एक ही दो कुक यही के, बाकी सारे मेरे दोस्तों बाहर रहते हैं। आप शहर की जनता को ऐसे लॉकडाउन में इस पिशोरी ढाबा के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? सेफ रहिए, जितना आप डिस्टेंस बना के रख सकते हैं उससे अच्छी रहेगा, कि आप किसी से भी मिलिए जरूर, पर आप कम से कम 3 फीट या तीन एक मीटर 2 मीटर दूर से बात करिए, मुँह से कपड़ा ढाकिए, जितना ही अपने आप को सेव कर सकते हैं। आने के मामले में क्या कहें? आने के मामले में ये बोलूँगा, जहाँ आप देखिए अपनी जगह, जहाँ आपको अच्छा मिले, जहाँ आपको साफ सुथरा दिखे, वहीं हर जगह पे ना जाए, देख के करें जो भी आपको। आपका नाम और डेजिग्नेशन? मेरा नाम रघुवीर सिंह है। पिशोरी ढाबा के प्रोपराइटर रघुवीर सिंह, इनका यह कहना है कि ये 62-63 दिन खौफ से निकले, डर से निकले, ऐसी बीमारी के अपना पराया होने लगा, पराया और दूर होने लगा, लोग लोनसानों से खोख खाने लगे, और काफ़ी दिन बाद पिशोरी ढाबा अपने जवानी की उर्दू
कुछ फिर आ चुका है, फिर से लोगों को खाना परोस रहा है। हम भी यही चाहेंगे, अब शहर की जनता जिसने घर में रह के अपने सब्र के दामन को नहीं छोड़ा और अब फिर वापस जबान ललचाने लगी है, तो पिछोली ढाबा खुल चुका है मगर अभी होम डिलीवरी दे रहे हैं। आने वाले समय में वापस किशोरी ढाबा अपनी यथास्थिति दे पाएगा और हम अपने चैनल के माध्यम से शहर की जनता से यही कहेंगे, लॉकडाउन का पालन करें, डिस्टेंसिंग बनाएं, हैंड ग्लव से मास्क लगाएं और अपने आप को सुरक्षित रखें। कैमरामैन साहिल के साथ जाहिद खान, IBN9 न्यूज़, इंदौर। में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ IBN9 न्यूज़ में। मैं हूँ आपके साथ साधना सिंह।